गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर हमारी यूनिट चल रही है थर्ड यूनिट, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉपिक चल रहा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। हमने देखा था कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, एग्जांपल लिए हैं किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके अंदर जब लिगेंड होता है जो मेटल को, मेटल के जो फिल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से पाई बॉन्डिंग होती है और किस प्रकार से जो संकुल यौगिक होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं, इन सब की हमने बात की है और चार्ज ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, हमने लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर ये देखा था कोई भी लिगेंड होता है, लिगेंड के अंदर यदि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम पाई जाती है तो उसके दौरान वह जो मेटल को, लिगेंड मेटल को इजी वे के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देता है जिसके दौरान चार्ज ट्रांसफर इजी वे के अंदर होता है, अर्थात चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आसानी से प्राप्त होता है। यदि किसी भी लिगेंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा पाई जाती है तो उसके दौरान वह जो लिगेंड होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल को आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता है तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की जो प्रायोरिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक कंडीशन देखी थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिगेंड की कम होनी चाहिए और मेटल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पाया जाना चाहिए, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज पाया जाना चाहिए। यदि मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा उसकी जो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। अब आज हम बात करेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसकी हम बात करें। हमारा नंबर दो इसके अंदर टॉपिक चलेगा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। नंबर दो, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, देखो हम बात करेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के दौरान धातु आयन होते हैं, धातु अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को स्थानांतरित करते हैं। यहां पर जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जबकि मेटल होती है इलेक्ट्रॉन लिगेंड को स्थानांतरित करती है, अर्थात LMCT से विपरीत MLCT पाई जाती है। मेटल होती है अपने इलेक्ट्रॉन को धातु जो लिगेंड को स्थानांतरित करती है जिसे ही हम क्या कहते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसके अंदर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर कंडीशन ये होती है कि मेटल कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मेटल की कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और जो लिगेंड होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि मेटल की कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है तो उसके दौरान मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। यदि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जाती है
तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की प्रायोरिटी होती है वो कम हो जाती है। अर्थात इसके अंदर हम डायग्राम से समझेंगे किस प्रकार से मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। देखो हम इसके अंदर डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर हम ये लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु आयन के से लिगेंड की ओर होता है तो इसे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। अर्थात टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर, इसलिए टॉपिक चल रहा है हमारा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसके अंदर हम लिख रहे थे जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मेटल से लिगेंड की ओर होता है तो इसे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर मेटल आयन से लिगेंड की ओर होता है तो इसे
मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल CONOCN पिरिडीन बाई पिरिडीन CONCN-, ठीक है, CONCN- NO पिरिडीन बाई पिरिडीन एटसेट्रा आदि में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाता है। ठीक है, अर्थात इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर, देखो माना कि ये लिगेंड है, ये मेटल है, ये मेटल वेस ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, और ये लिगेंड बेस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये लिगेंड बेस ऑर्बिटल, ये मेटल बेस ऑर्बिटल, ये लिगेंड बेस ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो मेटल बेस यहाँ पर जो बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, जो मेटल बेस ऑर्बिटल है वो फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, अर्थात भरे हुए कक्षक होते हैं, और ये कौन से भरे हुए कक्षक है, ठीक है, और ये भी भरे हुए कक्षक, अर्थात ये हम इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो ये ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और ये होते हैं फील्ड ऑर्बिटल होते हैं भरे हुए कक्षक, ये खाली कक्षक होते हैं। इनका स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पर इसके अंदर इधर से इधर होता है, अर्थात मेटल से किधर होता है, मेटल से लिगेंड की ओर होता है, अर्थात यहाँ पर पाई बॉन्डिंग का निर्माण होता है, पाई बॉन्डिंग। ये वैकेंट लिगेंड बेस ऑर्बिटल और ये फिल्ड मेटल बेस ऑर्बिटल, फील्ड मेटल बेस ऑर्बिटल, अर्थात यहां हम इसको ये कह सकते हैं इसके अंदर MLCT मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यहां से इधर से मेटल से और लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, अर्थात अब हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर इस प्रकार के ट्रांजिशन में यदि धातु आयन निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इस प्रकार के ट्रांजिशन में यदि धातु आयन निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में
ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन की संभावना बढ़ जाती है। मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यह ट्रांजिशन कम ऊर्जा या कम आवृत्ति पर होता है। यह ट्रांजिशन कम ऊर्जा या कम ऊर्जा या कम आवृत्ति पर होता है। कम आवृत्ति पर होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये लिगेंड बेगोस ऑर्बिटल है, लिगेंड बेस ऑर्बिटल, ठीक है, और ये है मेटल बेस ऑर्बिटल, सॉरी ये है मेटल बेस ऑर्बिटल, ठीक है, मेटल बेस ऑर्बिटल। और देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, माना कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस फाइव पाई जा रही है, प्लस वन, और ये मेटल की प्लस टू, मेटल की प्लस थ्री और मेटल की प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि मेटल की जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण होगा, उस ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी उसके अंदर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उतना ही कम पाया जाएगा, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम पाई जाएगी उसके अंदर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ये इस प्रकार से डिनोटेड कर सकते हैं, ये इस प्रकार से क्या पाया जा रहा है इनके अंदर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पाया जा रहा है, ठीक है, ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इस प्रकार से, अर्थात इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, तो इधर से इधर जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट इनक्रीज ऑफ मेटल इंक्रीज, ठीक है, MLCT मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर MLCT डिक्रीज, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जा रही है इधर से इधर जाने पर, बढ़ती जा रही है केंद्रीय धातु परमाणु की मेटल की, तो MLCT क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि MLCT होती है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि LMCT और MLCT होती है उसके अंदर अंतर क्या, या फिर या देखेंगे कि इसके अंदर DD ट्रांजिशन होता है और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, दोनों के अंदर किस प्रकार से अंतर पाया जाता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।